हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी और चने दाल की रेसिपी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है, आप अगर इसे एक बार खाएंगे ना तो ज़रूर दोबारा भी खाने का मन करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम अरबी लिया है, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी डाल के इसको मिक्स कर दिया है। और हल्दी डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम चने की दाल, इसी पे मैंने अच्छे से वॉश करके, पहले मैंने इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसे वॉश करके लिया है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इसे बनाना। तो यहाँ पे एक पैन को गरम करके उसमें तेल डाला है। हाँ, इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मुझे स्लो आंच पे अच्छे से इसे अरबी को फ्राई कर लेना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पे अरवी हमारी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें थोड़ा तेल डाला है। तो आप तेल अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप ज़्यादा ऑयली खाते हैं या फिर कम खाते हैं। तो यहाँ पे मैं जिस हिसाब से खाती हूँ, मैं तेल कम खाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम किया है। तो उसमें पहले मैं 2 तेज़पत्ता डाली, 2 लाल मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी। और मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून दही। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मुझे भून लेना है। यहाँ पे जाएगा थोड़ा नमक। अब इन सब चीज़ों के साथ मैं दाल को मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं 3 सीटी करूँगी। तो दाल आधे पक चुके हैं, अब इसमें मैं अरबी को मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद मुझे फिर से 2 से 3 सीटी लगानी है। तो 2 से 3 सीटी हो चुकी है, आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें मैं लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा तेल डाला है, अब इसमें मैं डालूंगी खड़ा जीरा, 1 टेबल स्पून, 4 हरी मिर्च। अब ये तड़का हम पूर करेंगे इस रेसिपी के साथ। तो अब ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और आपको अगर ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।